देखो ठीक से देखो, काले कोयले जैसा है ना। ए, इसकी तरह प्यार कर सकती हो? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अरविंद प्लीज। देखो इसे देखो, इस वक्त एक स्टैचू बन चुकी है। क्या ऐसा प्यार तुम कर पाओगी? इसे कहते हैं असली प्यार। ये होते हैं सच्चे प्रेमी, एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो आओ मेरे साथ, आओ। अरविंद, अरविंद, अरविंद प्लीज ऐसा मत करो। चलो आओ, कूदो यहाँ से, कूदो ना। मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो फिर सोच क्या रही हो? चलो कूदो ना। मुझे क्या हुआ, डर लग रहा है? कूदो ना, चक्कर आ रहा है? मरने से डर लग रहा है क्या? मेरे से प्यार करती हो तो कूदना मेरे साथ, चल। क्या हुआ, मुझसे बहुत प्यार है ना, तो प्यार के खातिर तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? कूदो, कूदो ना। तुझमें कोई हिम्मत नहीं है, तू सिर्फ नाटक करती है प्यार 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 करने का। चल आना कूदते हैं, आना कूदते हैं। नहीं हिम्मत हो रही ना, इसे होने वाला भी नहीं है। चल, तुझमें मतलब तेरे दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। प्यार कभी किसी खूबसूरती को देख के नहीं होता है, दिल से अपने आप ये जगता है, अंतरात्मा से ये जगता है। तेरे अंदर तो प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, हवस, कामुकता, जवानी की भूख। इसे तूने प्यार का नाम देकर कितने प्यार करने वालों के प्यार का मजाक उड़ाया है। तू जैसे दौलतमंद लड़की को प्यार क्या होता है इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि तूने प्यार को कभी नजदीक से जाना ही नहीं। माँ बाप ढेर सारी दौलत कमा लेते हैं, जेब भर के पॉकेट मनी देते हैं, और उस पैसे को तुम जैसी लड़कियां मजे में उड़ा देती हैं। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे खरीदने की हवस, कोई नया डिजाइन का कपड़ा मार्केट में आता है तो उसे पहनकर झटक मटक कर दुनिया वालों को दिखाती हो, ताकि उनकी नजर तुम पर पड़ जाए। और अगर तुम्हें मुझ जैसा लड़का मिल गया तो अपनी जवानी की भूख मिटाने के लिए हम जैसों का इस्तेमाल करती हो। ए, ये प्यार नहीं है, ये कामुकता है, मोह है। इसे तुम जैसी लड़कियां प्यार का नाम देकर प्यार करने वाले प्रेमियों के मुंह पर कालिख पोतती हो, यह है तुम्हारा स्वभाव। पहले अपने दिल में प्यार का बीज बो कर दिखाओ, उसमें जब अंकुर फूटेगा तब तुम्हें प्यार करने वाला अपने आप ही मिल जाएगा, और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि असली प्यार की कीमत क्या होती है। हिंसा से मुझे नफरत है, अहिंसा से मैं प्यार करता हूँ। प्यार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्यार के बीच में कोई आया तो देखो, इस वक्त मैं अपने प्यार के पास जा रहा हूँ। गुड बाय। भाई आज हमारा वक्त सही नहीं है, मेरी बात मानो, हम लोग वापस चलते हैं यार। वो रुमाल वाला अभी अभी जेल से छूट कर आया है, ऊपर से इसका लव मैटर अलग। आज तेरा उनके साथ हाथापाई होना पक्का यार। अगर उसके चंगुल में फंस गए तो वो हमारी बोटी बोटी कर देगा यार। अरे चुपचाप मेरे साथ चलो ना। भाई तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, चलो। ए अरविंद आओ, आओ बैठो यार। अरे बहन प्रीति देखो तो कौन आया है। बैठो ना यार, खड़े क्यों? पहले खाना खा लो, उसके बाद बातें करेंगे। आप लोग इस तरह खड़े क्यों हैं? मैंने हम दोनों के बारे में भैया को सारी बातें बता दी हैं। मेरे भैया मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाते, है ना भैया? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया। देखो अरविंद, मेरे माँ बाप रिश्तेदार कोई भी अपना कहने वाला नहीं है, जाति और धर्म की परवाह भी नहीं करता। मेरे लिए तो तुम दोनों की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। फिर भी मेरी एक तमन्ना है। बताइए वो क्या है? शादी तुम चाहे जैसे रीति रिवाज से करो, जहाँ चाहे मर्जी करो, लेकिन तुम्हारे माता पिता रिश्तेदार यहाँ आकर अगर इज्जत से मेरी बहन को ले जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये हम लोग क्या देख रहे हैं यार, ये प्रीति का भाई तो विलेन नहीं लग रहा है। हाँ यार, दोनों के माँ बाप नहीं है, फिर भी प्रीति को माँ बाप से बढ़कर देख रहे हैं। अरे खाना बीच में छोड़कर क्यों उठ रहे हो, पूरा खाकर उठो। आपका डायलॉग सुनकर ही हमारा पेट भर गया सर। चुपचाप बैठ, चलो खाओ। आपके कहने के मुताबिक कोई अच्छा सा दिन देखकर अपने माँ बाप को यहाँ ले आऊंगा और फिर इसका हाथ मांगूंगा।
प्रीति बहन, तुमने प्यार से खीर बनाई है, अरविंद को अपने हाथों से खिलाओ। खीर की मिठास से भी बढ़कर मेरे लिए इन होठों की मिठास है। मेरे वापस आने तक याद रखने के लिए मेरी तरफ से तुम्हें ये प्यार का तोहफा। ये क्या तू तांडव नृत्य कर रहा है यार? अरे वो माँ बाप को लेने के लिए गया, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। ओए तू बंदर की तरह क्यों नाच रहा है भाई? ठीक से खड़ा हो ना, किसी को हाथ पैर जोड़कर मना रहा होगा अपने माँ बाप की एक्टिंग करने के लिए। टेररिस्ट का घर है, अभी उसके आने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है यार। हम लोग को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। हाँ यार, आई आई देखो पुलिस आई यार। हाँ यार, लगता है वो फरार हो गया होगा। मैंने कहा था ना पुलिस है, देखो पुलिस। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे यार ये टेरेस का घर है और टेरेस के घर में मिनिस्टर आया है। हाँ यार, ए इधर आओ ना। ये क्या यार? हा? बाप की एक्टिंग करने के लिए होम मिनिस्टर को ही साथ ले आया यार अरविंद। हाँ अरे आओ यार। डैड ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। जोरे वासु, तू यहाँ कैसे? इस घर की बेटी से अरविंद जी शादी कर रहे हैं ना, इसीलिए। डैडी आप इसे जानते हैं? हाँ बेटा, इसका एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। डैड जूस लीजिए। जूस रहने दो, लड़की किधर है? आ जाएगी डैडी। सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए। हम और आप रिश्तेदार बनने वाले हैं, आराम से बैठिए, आराम से। ये शादी नहीं हो सकती। डैड मेरे जीते जी, ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा।